What's up my people? आज सुबह पुराना लैपटॉप साफ कर रहा था तो उसकी हार्ड डिस्क में कुछ पुराने इंटरव्यूज मिल गए। जब लॉकडाउन था, जब हम सब घर पे बंद थे, बाहर कहर था, बहुत कुछ सिखाया उस पूरे पीरियड ने। लेकिन उसके बीच में मैंने एक सीरीज की थी एसएएफ और जेएसएएफ, जहां पे कुलदीप यादव ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी जब महेंद्र सिंह धोनी एक बार फील्ड पर गुस्सा हुए थे। युजवेंद्र चहल ने बताया था कि रोहित शर्मा विराट कोहली जैसी पर्सनैलिटी से क्रिकेट नहीं लाइफ के बारे में क्या सीखा है। सुरेश रायना चिन्नथला से बात हुई थी। तो मैंने सोचा इसके पहले कि ये कॉपी पेस्ट करके इस हार्ड ड्राइव को किसी अलमारी में बंद कर दिया जाए, ये स्टोरीज का गुलदस्ता आप सबके सामने पेश किया जाए। सो दिस इज अ थ्रोबैक, बट आई होप यू एंजॉय इट। और बताना जरूर कमेंट्स में कि आपकी सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी थी। सो हियर इट इज, हैशटैग थ्रोबैक, हियर वी गो। One cricketer, one teammate, जिसके साथ you would not want to get lockdown. Maybe Yuvraj Singh. Why? Because he farts so much, यार. वो ही एक कारण है और कोई कारण नहीं है Otherwise he's so fun. But to sit next to him, मुझे ऐसे बैठना होगा। अगली बार जम्मू जाएगा उसके लिए चूरन ले आना। you see this, I'm sure. ज़हीर खान मतलब इसमें कोई सोचने की कोई कंपटीशन भी नहीं है भाई। ज़हीर खान बिल्डिंग से नीचे उतरना हो ना तो वो वीजा लेता है भाई। उसको अगर तुम चॉइस दे दो तो वो जो पोजीशन मेरी अभी है ना उसकी 24/7 अगर चॉइस दे तो ही इज रेडी। मतलब थोड़ा अगर ऐसे भी होना पड़े तो एफर्ट है, ये ठीक है। कॉफी आ जाए और विंडो के बाहर भाई साहब बैठे रहे, कोई नो प्रॉब्लम, आराम से कॉफी भी आ जाए, आ जाए नहीं बाद में आ जाए। फिर बाद में क्या किया, सोफे के पास ना जहाँ बैठता था उधर वो मशीन लगी हुई एक्सप्रेसो की, कि ज्यादा दूर तो हाथ ऐसे लगा के ना वो डाल के ना छोटा सा जो ढलता थी उसमें कि बंदा हिलना ना पड़े। पता चला अब तक प्रिपरेशन में पाइप भी लगा ली होगी, बटन दबा दिया नहीं, वहां से पाइप लगा के इधर रखी हुई है, जैसे ही बटन दबाया ड्रॉप गिर रहा फिर वापस। Rohit, I think he really impressed everyone. I still remember when Mumbai Indians won against Pune team, जब हमारा टीम नहीं था, how he led the team, how he was using each and every bowler smartly, एक ओवर करके प्रेशर बना रहा है, प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। तो मैंने उसको मैसेज भी किया था उसके बाद, तो उसके बीच में खेले तो आई थिंक ही वॉज ऑलवेज देयर इन दैट कैटेगरी ग्रेटेस्ट ऑफ स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। ही फ्यू ऑफ देम आई ऑल्सो वेंट हिम सम टाइम कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या कर सकते थे, ही विल गिव यू वेरी फ्रेंडली एडवाइस, बिल्कुल जो आपकी बिल्कुल यहाँ भी घुसेगी यहाँ भी घुसेगी। तो वैसा है वो, जैसे श्रीलंका में यू मस्ट हैव सीन जब हम जीते थे अभी एशिया कप, ही वाज द कैप्टन, तो जैसे ही वाज गिविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ऑल द प्लेयर्स इन द टीम मीटिंग, चहल को शार्दुल को सारा नया टीम गया था, लेकिन लड़कों ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया वाज अमेज्ड एंड ही वाज इन दैट सुपर लीग टॉप था वो, उसमें वो कंप्यूटर लगा हुआ है रोहित के दिमाग में, बहुत अच्छा वाला, वो बिल्कुल कनेक्ट रहता है हमेशा, वो कभी बंद नहीं होता है वो। He's very, very astute captain and he has lot to achieve actually still now. We can do lot of good things. Virat playing under Rohit, two of arguably the best of their generation. इनसे क्या actually एक चीज है जो अकेले में बैठ के बंदा सोचता है और बोलता है कि यार ये सही में this is probably changed the way I am as a cricketer and as a human being. दोनों की कोई इसमें मुझे लगता है कि मतलब दोनों मतलब इतना बड़े player हैं, उसके बाद इतना सिंपल सीडी रहना, मतलब बिल्कुल सिंपल से रहना कि मतलब कोई एटीट्यूड नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, वो चीज मैंने सीखी। और आई थिंक क्योंकि दे आर बोथ अ बैट्समैन, सो मैं बैटिंग का तो इतना कर नहीं सकता, लेकिन इनके इनके लाइफस्टाइल कि मतलब इतने पैसे कमाने के बाद भी, इतने फेमस होने के बाद भी डाउन टू अर्थ कैसे है, तो वो चीज मैंने इनसे काफी सीखी है कि मतलब बिल्कुल सिंपल रहना, आपके चाहे जूनियर है चाहे कैसे भी आए, कोई शो ऑफ नहीं है, आप इनसे कुछ भी आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछो, क्रिकेट के बारे में पूछो, तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू किसी के लिए भी। तो वो चीज़ मैंने सीखी है कि हाँ यार बंदे मतलब कैसे इतना कुछ होने के बाद भी, इतने बड़े बनने के बाद भी आपको कैसे सिंपल रहना, कितना मतलब डाउन टू अर्थ है। गुस्सा माही भाई को बहुत कम आता है और ऑन द फील्ड गुस्सा मैंने उनका तब देखा था, श्रीलंका से खेल रहे थे T20 इंदौर में, जिसमें रोहित भाई ने 100 बनाया था।
आपने याद है वो कुशल परेरा बैटिंग कर रहा था, उसने एक कवर्स के ऊपर से चौका मारा, तो वो आके मेरे पास बोले कि वहीं से उन्होंने आवाज मारा कि कवर्स उधर करके पॉइंट इधर कर ले, तीन इधर रख ले। तो मैंने वो वाली बॉल सुनी नहीं, मैंने वो बॉल सुनी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो उन्होंने क्या बोला, मैंने डाल दिया, उसने रिवर्स स्वीप पे चौका मार दिया। वो मेरे पास आए गुस्से से, उन्होंने बोला मैं पागल हूँ 300 वनडे खेलना समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल डर गया था उस टाइम पे, मुझे बहुत डर गया था कि एकदम से क्या हो गया, मुझे ये कैसे डांट दिया। तो उस टाइम में बहुत डर गया था। तो उसके बाद हमने मैच, वो अच्छा मैच जीते। उसके बाद जब मैं बस में बैठा, माई भाई के बगल में गया मैं बैठा, मैंने पूछा माई भाई को गुस्सा कभी आता है क्या? तो वो बोलते ही मुझे गुस्सा नहीं आता है, अभी गुस्सा आया मुझे 20 साल हो गए। कहता अब मुझे एक्सपीरियंस सब चीजों का हो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, और जब कोई सुनता नहीं है तो वो गुस्सा नहीं है, मैं वो डांटता हूँ, अभी तुमने बेटा गुस्सा देखा नहीं मेरा। तो ये बोल कर मैं चुप हो गया। वो स्टार्टिंग से मुझे लगता था ही वाज अ लीडर, बहुत कामनेस था उसके अंदर, कभी भी कोई भी सिचुएशन में बहुत काम रहता था, कोई बैटिंग हो या गेम, मैंने कभी गुस्सा नहीं देखा था उसको। तो मुझे लगता था आई थिंक दिस पर्सन कैन डू मिरेकल्स। जैसे सीनियर प्लेयर आते थे तो सब जानना चाहते थे कि एक्चुअली है कौन ये बंदा, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि कीपिंग का ऐसा है, बट उसने कभी नहीं वो किया, जो उसको अच्छा लगता था और जो लगता था कि ये सही है उसने वही हमेशा उस चीज़ को बिलीव किया। जो उसके क्लोज हैं, जो दे विल ओनली टेल कि कुछ समथिंग ही वॉन्ट्स टू से और समथिंग ही रियली गिव ए सिग्नल टू समथिंग, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, नहीं तो अगर नहीं समझोगे दैट मींस ही डजंट वांट टू टॉक टू बेवकूफ जो लोग हैं। अच्छा मतलब सिर्फ समझदार को इशारा काफी वाली बात है। इशारा काफी, यू कैन से दैट डेफिनेटली, दैट्स द ब्यूटी अबाउट हिम। अगर समझना है तो यू नीड टू कम टू माय लीग। सेकंड मिथ जो मैंने काफियों से सुना है कि जब चेन्नई में होता है हिज रूम इज ऑलवेज ओपन किसी के लिए भी। बिल्कुल सबके लिए ओपन है, वो पहले ही बता देगा जब उसको सोना हो किसी दिन, या ही रियली वांट्स टू वॉच ए मूवी और समथिंग, तो वो बोल देगा कि आई थिंक आई रियली नीड टू स्लीप अर्ली, दैट मींस खाना खाओ बैठो और धीरे से जल्दी से निकल लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो फिर अपना टीवी रूम और डीएनडी तो लगी रहती है सब उधर ही, तो अभी हमारा पूरा लुक आफ्टर है सर, जैसे सारी चीजें करते हैं। तो दैट्स रियली मेड लॉट ऑफ प्लेयर्स बिलीव दिस कैप्टन वॉन्ट्स टू नो यू, वॉट डू एट द फील्ड, व्हाट्स योर लाइफ ऑफ द फील्ड, how we can improve as a team. I think he was a team captain, he was not an individual captain, I must say that. Main aur cap bhai batting kare UV pa bhi Dhoni bhai ne Tino West ko mara tha ek paddle sweep, maine kaha Dhoni bhai 150 dal rakhe hai, koi nahi isko main chila raha hu abhi, ye mujhe aur dega ball marne ke liye. To kabhi kabhi wo mind bhi khelna padta us time pe. To starting se wo he always knew ki mujhe kaise, to he will with Tino West said man I'm gonna bump you, I'm not gonna, तो उसके बाद लाइन ही खराब हो गई उसकी, उसको तेज डाल रहा था, इधर कट दे रहा है, इधर बोल दे रहा है, इधर फेंक दे रहा है, उसको चार ओवर में उसके 40 पड़ गए वो। तो फील पे दिखता है, तो अक्सर वो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ओवर टाइम, वो कॉन्फिडेंस ऑफ द फील्ड। माई भाई के साथ तो बहुत क्लोज है हम लोग, मुझे याद है कि बहुत खिंचाई करते थे बस में बैठे हुए, पूरे वर्ल्ड कप में मेरी खिंचाई की है। मैं बस में एक्चुअली इंग्लैंड में ऐसे दो सामने दो ऐसे ऐसे सीट थी, माही भाई और शिखर धवन इधर बैठते थे, मैं और चहल इधर बैठते थे, तो सामने सामने रहते थे। तो इतनी हर प्रैक्टिस सेशन, हर मैच में बहुत मतलब हर रोज खिंचाई करते थे वो किसी ना किसी बात को लेके।